निगम में तो टोटल कितने कर्मचारी? ठेका पद्धति में 300 कर्मचारी। 300, उसमें कितने को निकाला गया था? 200 कर्मचारियों को निकाला गया था। रीज्वाइनिंग हो गई अब जी। अब क्या मांग है आपकी? तो भाई हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ठेका कोई ले, हमारा हक हमें दो ना जी, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक हम लोग 5 साल से काम करते आ रहे थे, 220 रुपये रोजी दे रहे थे हम लोग को। जो ठेकेदार लोग जो हमारा रोजी आधा पेमेंट मतलब 250 रुपये रोजी से करवा रहे हैं हमको काम, और आधा पेमेंट खा रहे हैं। अच्छा। उसको पूरा दिया जाए और ले लो। बात करूँगा और आप लोगों के साथ हूँ, आपके हित में। तस्वीर में आप जो भीड़ देख पा रहे होंगे वो राजनांदगांव को स्वच्छ करने का, साफ करने का काम करने वाले सफाई कर्मचारी है, जो शहर को सुंदर बनाने का काम करते हैं। लेकिन इन दोनों वो काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि इनमें से कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, काम से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते काफ़ी आक्रोश में है और आज सांसद कार्यालय आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या मांग करने वाले हैं। भैया क्या नाम है? मैं सफाई कर्मचारी यूनियन संघ का अध्यक्ष हूँ, बोलू नायक। क्या कुछ मांग को लेकर आज सांसद कार्यालय आए? हम लोगों का विगत ठेका पद्धति में सफाई कर्मचारी कार्यरत करते थे, जो कि इन लोगों को 15 दिन पहले निकाल दिया गया था। और हमारा मांग यही था कि 300 कर्मचारी को निकाल देने के कारण सभी कर्मचारियों ने एकजुटता होकर आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपकर कहा था कि अगर 300 कर्मचारियों को नहीं लिया जाएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज वह काम में लिया, इसलिए साथ साथ हम लोग आए हैं कि हमारा ठेकेदार 2 पैसा और बढ़ाए। अच्छा, मतलब निगम में तो टोटल कितने कर्मचारी? ठेका पद्धति में 300 कर्मचारी। 300, उसमें कितने को निकाला गया था? 200 कर्मचारियों को निकाला गया था। रिज्वाइनिंग हो गई अब जी। अब क्या मांग है आपकी? मांग यही था कि एक बार सांसद जी हैं यहाँ पे, तो उनसे भी मिलकर हमारी समस्याएं को बताएं। हाँ, क्या क्या समस्या है? समस्याएं यही था कि वेतन को लेकर बस आए थे। वेतन बस जी? क्या अभी क्या मिल रहा है रेट? रेट अभी फाइनल नहीं किया, शाम या कल बता देंगे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अभी फिलहाल क्या मिल रहा है? 250 रुपये मात्र। 250 में? तो कितने दिनों से 250 में? कितने साल से मुझे इतना पता नहीं है, कितने साल से मतलब 250 रुपये उसे कलेक्टर दर्ज करने की मांग है जी। अच्छा, तो ये निगम के सफाई कर्मी हैं और अपनी मांग को लेकर आए हैं कि इनको कलेक्टर दर पे पैसा मिले, इनकी आय डेली जो इनका इनकम है वो बढ़ाया जाए। मैं योगेश, धन्यवाद जी। बताइए आप लोग सांसद हैं। मैं क्या मांग? तेज कुमार साहू, हल्दी वार्ड नंबर सुपरवाइजर हूँ। हम लोग का मांग था निगम आयुक्त महोदय से कि हमारा काम बंद कर दिया गया, उनको सभी को काम में लिया जाए। 100 कर्मचारी सभी ले रहे थे ना, तो अभी सभी को काम में लिया जाए। बाकी लोग क्या करेंगे भाई, 200 को जो बैठा दियो तो वो था तो लगभग रख नहीं पा रहे। उसमें भी हम लोग हड़ताल किए ना, तो जैसे कि सुपरवाइजर लोग को टारगेट किया जा रहा है कि यही लोग सब भड़काए हैं, ये तो दुनिया देखे, तो उसमें भी ना हटाया जा रहा है लड़के लोग को, ऐसा करके बोल रहे हैं। किनको हटा रहे हैं? सुपरवाइजर लोग को। हाँ, और जो जो कर्मचारी हमारे साथ दे रहे हैं ना, जो भी अपने हक के लिए, उनको भी भगाया जा रहा है वार्ड से। नहीं करने देंगे तुमको, ठेकेदार लोग बोल रहे हैं। ये कौन ठेकेदार? ठेकेदार मैं नहीं बोल सकता, कौन कौन लिए अभी पता नहीं चला है कौन कौन ठेकेदार। कोई कोई वार्ड में आज ना 3-4 वार्ड में ही काम चल रहा था, जैसे कि अपने किशन वधु सर जी हैं उनके वार्ड में चल रहा था। हाँ। और है 2-3 ठेकेदार लोग हैं, वो भी काम करा रहे थे। तो भाई हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ठेका कोई ले, हमारा हक हमें दो ना जी, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक हम लोग 5 साल से काम करते आ रहे थे, 220 रुपये रोजी दे रहे थे हम लोग को, सॉरी 230 रुपये दे रहे थे। फिर पिछले साल हड़ताल किए तो 250 किए उसको, 250 किए। तो हमें ठेका कोई चलाए, चाहे निगम चलाए, चाहे अपना निगम है ठेकेदारी के सौंप दे, लेकिन हमारा जो हक है हमें हम कर्मचारियों को मिले, ये बस बात रख के आए। आप लोग कितना मांग रहे हैं? कलेक्टर दर में जो रेट है हमें दे दिया जाए, बाकी ठेकेदार लोग जो भी चला रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं उनसे। कलेक्टर दर में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जो भी हमारा रेट वहाँ से बंधा हुआ है। संसद कर रहे सर के पास हम लोग बात रखने के लिए आए हैं कि ऐसा सा हमारे साथ शोषण कर रहे हैं ठेकेदार लोग, निगम के सफाई के आड़ में कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं लोग ठेकेदार लोग। भाई वो भी पार्षद है, उनको भी समझना चाहिए कि भाई दो वक्त की रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं लोग कर्मचारी लोग वार्ड में, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए सब चीज़ के लिए। ठेकेदार लोग जो निगम के आड़ में शोषण कर रहे हैं। कितने लोग आप लोग? हम लोग लगभग 300 कर्मचारी को बंद किया गया था, जिसमें 100 कर्मचारी से काम करवाया जा रहा था। तो बोला आप लोग हमारा भी साथ दो भाई, काम होना तो सभी का होना है। हमारा घर घर नहीं है क्या? हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या?
हमारे घर में माँ बच्चे हैं, जो भी है, जो उनका भी हक बनता है हमारे, हम ही लोग तो उनका पालन पोषण जो भी कर रहे हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग पास सांसद सर जी के पास बात रखने के लिए आए हैं, ऐसा से हमारे साथ शोषण कर रहे हैं यहाँ, तो हमारा जो भी अपने से बन सकते हो हमारे लिए करें, समस्या बस हाँ समस्या हल करें, यही बात रखने के लिए आए हैं। तेज कुमार साहू, वार्ड नंबर 51 का सुपरवाइजर। क्यों आए सांसद? हमारी समस्या ये है, जितने 300 कर्मचारी हैं उनको सबको काम में लिया जाए और हमारा पेमेंट कलेक्टर दर से दिया जाए, और जो ठेकेदार लोग जो हमारा रोजी आधा पेमेंट मतलब 250 रुपये रोजी से करवा रहे हैं हमको काम, और आधा पेमेंट खा रहे हैं, उसको पूरा दिया जाए, हमारी यही मांग है बस, हम और कुछ नहीं चाहते। और सबको मतलब जितने 300 कर्मचारी है सबको लिया जाए काम में, किसी को हटाया मत जाए। अभी कितना हाँ, दे रहे पैसा? 250 रुपये रोजी। तो आप लोग कितना चाह रहे हैं? 400 रुपये रोजी। कि कौन से दर में? कलेक्टर दर। तो अभी नहीं दे रहे कलेक्टर? नहीं, यही मांग है। हाँ, नहीं होगा तो क्या करोगे आगे? और देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, और ये निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे। और कौन कर रहा है ये सब आप लोगों के साथ? ये अब ठेकेदार लोग ही दे रहे हैं पेमेंट, तो अब उन्हीं लोग तो मतलब ये कर रहे होंगे ना। तो कितने साल से कर रहे हैं ठेकेदार आप लोगों के साथ ये? हम लोगों को तो अभी लगभग हो गया 4-5 साल। 15 साल? नहीं, 15 साल हो गया मेरे को। 15 साल से मतलब कलेक्टर दर में आप लोगों को पैसा? हाँ। और सुषमा सरदार जी, आज सफाई कर्मचारी आपसे मिलने आए थे? हाँ, समय समय पर सफाई कर्मचारियों के हित में उनका लीडर है गोलू नायक, समय समय पे मेरे से मिलता रहता है, और जब कभी कोई परेशानी होती है, कोई बात होती है, स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के हित को लेकर के आते रहते हैं, तो छोटी मोटी कोई बात थी वो आपस में मिल बैठ करके पूरा कर लिए हैं, और कल ये सफाई में लगेंगे। पेमेंट का बात हो रहा है, उसी विषय में चर्चा हुई है, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, हो जाएगा।